हेलो एवरीवन, स्वागत है ग्रीनफील्ड सेफ्टी वर्ल्ड में। और आज हम जुड़ रहे हैं एक नए टॉपिक के साथ में। और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वर्कर्स, यानी कि साइट पे जब भी काम होता है तो वर्कर्स जो काम कर रहे होते हैं उनका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले, अगर यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी पुट करें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड होता है तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए देर ना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमने आज का जो हेडिंग दिया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वर्कर्स, यानी कि जो वर्कर्स होते हैं उनके क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए काम के पीरियड में, काम के दौरान, वही देखते हैं। अब पहला क्या है, टेक केयर ऑफ ओन हेल्थ एंड सेफ्टी एंड को वर्कर हेल्थ एंड सेफ्टी। इसका मतलब यह हुआ कि जब भी आप काम करें तो काम के दौरान अपने आप में, मतलब ये ख्याल जरूर रखें कि भाई अपने हमें अपने हेल्थ और सेफ्टी का भी ध्यान रखना है। इसलिए कि हमारे पीछे हमारे परिवार है, हमने घर पे इतने दूर जब अपने फैमिली को छोड़ के आया है तो भाई हमें अपने आप को खुद से जिम्मेवारी उठाना पड़ेगा कि हमारा हेल्थ और सेफ्टी अच्छे से रहे। और साथ में क्या है, कोवर्कर, यानी कि जो भी आपके सहपाठी भाई जो काम कर रहे हैं उनका भी सेफ्टी और हेल्थ का ध्यान रखना है। अब बात करते हैं दूसरे नंबर की, तो फॉलो द ऑल इंस्ट्रक्शन विच इज गिवन बाय एम्प्लॉयर रिगार्डिंग हेल्थ एंड सेफ्टी। अब देखिए इसमें क्या है, दूसरा बोल रहा है कि जितना भी इंस्ट्रक्शन आपको दिया गया है रिगार्डिंग हेल्थ एंड सेफ्टी, जैसे कि आप जब भी वर्क के लिए जाते हैं डेली, जब कोई भी पार्टिकुलर जब काम होता है, जैसे हाइट पे वर्क हो रहा है या एक्सकवेशन हो रहा है या कन्फाइंड स्पेस हो रहा है, कोई भी वर्क हो रहा है, तो उससे पहले आपको टीबीटी दिया जाता है, टूल बॉक्स स्टॉक दिया जाता है। उसमें एक सेफ्टी सुपरवाइजर है, जो कुछ भी वो लोग होते हैं वहां पे, आपको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि क्या क्या आपको सेफ्टी और हेल्थ के बारे में इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है, तो उसको आप फॉलो जरूर करें। अब बात करते हैं तीसरा, डू नॉट रिमूव एनी पीपीज ड्यूरिंग द जॉब, यानी कि आपको क्या है कि जो भी पीपीज प्रोवाइड करवाता है, पीपीज के बारे में मैंने पहले बात कर चुका हूँ कि पीपीज क्या होता है, तो जो भी पीपीज आपको प्रोवाइड कराया जाता है उसको आप अच्छे तरह से पहने और उसका अच्छे तरह से यूज करें जब भी आप ड्यूरिंग द जॉब, यानी कि आपको पीपीज रिमूव नहीं करना है। अब बात करते हैं, रिपोर्ट एनी अनसेफ कंडीशन एंड अनसेफ वर्क टू सुपरवाइजर। यानी देखिए, जब भी आप काम कर रहे होते हैं तो कुछ वर्कर्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही लापरवाही करते हैं, जैसे कुछ अनसेफ कंडीशन में काम करने लगते हैं, अनसेफ एक्ट में काम करने लगते हैं, जैसे पीपीज अपना निकाल के फेंक देंगे। मान लीजिए कि कंडीशन में हो गया कि गलत पोस्चर में काम करना, तो ये क्या हो गया, कोई भी अगर वर्कर्स आपके सामने वैसा काम कर रहा है तो आप तुरंत क्या करें, किसको बोलना है, सुपरवाइजर को बोलें कि देखिए भाई ये गलत कंडीशन और गलत एक्ट में काम कर रहा है। अब बात करते हैं, रिपोर्ट एनी एक्सीडेंट टू द सुपरवाइजर। अगर यदि आपके साइट पे कोई भी घटना घट जाता है, कोई इंसिडेंट हो जाता है, कोई एक्सीडेंट होता है, तो आप जरूर सुपरवाइजर को बताएं ताकि उससे वो क्या हो जाए, सचेत हो जाए कि आगे से ऐसा घटना ना घट सके। अब बात करते हैं, यूज ऑल पीपीज प्रोवाइड बाय द एम्प्लॉयर, यानी जो भी एम्प्लॉयर है, जो भी आपको वहां पर पीपीज प्रोवाइड कराया जा रहा है, आप उसका यूज करें, अन्यथा आपका एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए आप क्या करें कि जो भी वहां पर पीपीज प्रोवाइड कराया जा रहा है अकॉर्डिंग टू द वर्क, तो आप उसको अच्छे से इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने क्या देखा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वर्कर्स। तो दोस्तों, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, और आशा करता हूं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।